हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द साइंटिफिक टिप्स टू अचीव योर गोल एज वेल एज योर यू कैन से द टारगेट इन रिगार्ड ऑफ द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो साइंटिफिक टिप्स है वो क्या है, तो आप लोगों को मालूम है कि जो आपका बेस्ट स्टडी प्लान है उसका जो बिगिनिंग है तो अर्ली इन मॉर्निंग होना चाहिए, अर्ली इन मॉर्निंग। सो दिस इज द स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर सीयर, स्टेप नंबर वन, अर्ली मॉर्निंग सेशन, अर्ली मॉर्निंग सेशन। अर्ली मॉर्निंग सेशन का मतलब क्या है कि आप लोगों को ये या तो 5 बजे या 5:30 गेटअप होना चाहिए। नींद इस समय आपको खुलवाना चाहिए आपकी नींद, क्योंकि आप का पूरा नाइट को रेस्ट होने के बाद जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो स्लीप क्लॉक है, इसके वजह से क्या होता है कि आपका मेमोरी फ्रेश रहता है। एट दैट टाइम योर मेमोरी रिमेंस ऑलवेज फ्रेश। तो ये जो समय है 5 या 5:30 बजे उठना है आपको। बाद में यही सेशन अगर 5 बजे उठ गए आप तो 7 बजे तक, 5:30 बजे उठ गए तो 7:30 बजे तक स्टडी करना है आपको, स्टडी करना है। इसके बीच में कोई 5 मिनट का गैप आप रख सकते हैं, 5-5 मिनट का गैप, 1-1 घंटा ऐसा चला सकते हैं इसको। अगर इसी टाइम में आपको कोई नेचुरल एक्टिविटी का इमरजेंसी है तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली होने के बाद आप पूरी तरह से बाथ वगैरह करना है, टॉयलेट वगैरह सब करना है, वो आधा घंटे में करना है। तो बाद में आफ्टरवर्ड ऑफ दिस आप क्या करेंगे कि 8 to 9 यू हैव टू परफॉर्म योर ब्रेकफास्ट इन एनी हाउ। 8 से 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट करना ही करना है, इसी के बीच में करना है, हर दिन यही करना है, क्योंकि ये जो टाइम है अभी एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, और उसी समय टाइम टू टाइम डाइट इज़ ऑल्सो इसेंशियल। बिकॉज ये जो डाइट है और वो ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, लंच अच्छा होना चाहिए, डिनर भी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब है न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है, कई के लिए टू कीप फॉर यू एज ए एनर्जाइज इंडिविजुअल और एज ए एनर्जाइज स्टूडेंट। आपको एनर्जाइज स्टूडेंट बनाने के लिए आपका डाइट बहुत ही बड़ा मैटर करता है। डाइट ध्यान रखिए, बिकॉज अब एनर्जी कम लेके ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आपके ब्रेन की जो इफिशियंसी है उसको कंटिन्यू मेंटेन होना चाहिए। तो ये हो गया स्टेप वन, अर्ली मॉर्निंग सेशन। इसके बाद जो है वो 9 के बाद, फ्रॉम 9 to 12 लेट मॉर्निंग सेशन। इस समय आप डेढ़ घंटा दो सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो उस समय आपको वीडियो वगैरह देखना है तो देख सकते हैं, ये टाइम चूज करते हैं। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग का जो सेशन है, एट दैट टाइम यू परफॉर्म द प्रॉपर टेक्स्ट रीडिंग विथ ए थरा अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ प्रॉपर टेक्स्ट रीडिंग करना है, और जनरली यहाँ आप बायोलॉजी का टेक्स्ट रीडिंग करिए ज़्यादा, और थेराटिकल एस्पेक्ट, केमिस्ट्री फर्स्ट है, फिजिक्स में भी जो थेराटिकल एस्पेक्ट है उसको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए ये सेशन में। ये जो सेशन है लेट मॉर्निंग सेशन, इस समय आप डेढ़ घंटे की सिटिंग डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस समय वीडियो लेक्चर है तो कर सकते हैं ऑनलाइन के। अगर एक वीडियो लेक्चर किया तो भी अच्छा है, कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम, और एक टाइम का स्टडी करने का है। इसके बाद जो है 12 to 2 यू हैव टू एन्जॉय द रिलैक्स टाइम। ये दोपहर को 12 to 2 नून टाइम, ये जो है नून टाइम में आपको स्लीप रेस्ट लेना है, स्लीप रेस्ट बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर व्हाट पर्पस टू यू हैव टू टेक ए रेस्ट, स्लीप रेस्ट लेना है। स्लीप तो क्या होता है, बहुत बच्चों को नींद नहीं आती बोलते, नींद नहीं भी आई तो लेट जाना, बेड पर लेट जाना है आपने खाली, और आग बंद करके रेस्ट लेना है 1 घंटा, 45 मिनट या 1 आवर का रेस्ट लेना है। तो ये स्टडी होने के बाद आपको लंच करना है, और लंच के बाद स्लिप रेस्ट करना है। दैट प्रोवाइड ए लॉट बेनिफिशियल, और दैट कैन कॉज ए लॉट बेनिफिट फॉर यूअर अचीवमेंट्स। तो ये करना ही करना है आपको नून टाइम में। इसके बाद
आपको टू थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप ये आफ्टरनून सेशन है। आफ्टरनून सेशन, आफ्टरनून सेशन में क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम है वो दोपहर के सेशन में, इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक अभी से मेंटेन करना है आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के टाइम ऐसा ना हो कि आप दोपहर को 3 बजे सोते तो एग्ज़ाम के दिन आपको नींद आ जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ये जो आफ्टरनून सेशन है उसमें दैट इज़ फ्रॉम 2 to 5 और 5:30, अगर 2:30 शुरू हुआ तो 5:30, तो यहाँ भी आपको 3 घंटे मिलते हैं। यू गेट हियर ऑल्सो द 3 आवर्स, तो ये 3 आवर्स में आप यहाँ भी 1.5 आवर, डेढ़ डेढ़ घंटा दो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फिजिक्स एज वेल एज द फिजिकल केमिस्ट्री, इस टाइम में ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम में वो दोपहर का सेशन रहता है, आपकी नींद खुल जाती है, उस समय जो मेमोराइजेशन है वो अच्छा रहेगा। ये लेस रेस्ट लेना है आपको और ऐसे प्रॉब्लम की प्रिपरेशन करना है, और डेढ़ डेढ़ घंटा दे सकते हैं दो सब्जेक्ट को। इसके बाद दिस इज द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ थर्ड स्टेप के बाद अब 6 बजे 6 to 7 और यू कैन सी द 5:30 to 6:30, इस समय अगेन यू हैव टू एन्जॉय द रिलैक्स टाइम। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, टेरिस पर जा सकते हैं, किसी से बात करना है, फ़ोन वगैरह लेना है, रिसीव लेना है तो कर सकते हैं, ये सब अदर एक्टिविटीज़ जो है रिलैक्स टाइम में रिलैक्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन ये अदर टाइम में जब आप सिटिंग देंगे स्टडी करने के लिए, एट दैट टाइम यू हैव टू अवॉइड कम्प्लीटली द यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल टू टॉक विथ एनीबडी, टू मीट फॉर एनीबडी। तो कोई भी प्रॉपर स्टडी करना चाहिए, प्रॉपर वल्गर नहीं, वल्गर बोले तो कैसे, किसी का फ़ोन ले रहा है, किसी से बात कर रहा है, कोई आया तो उसको मिल रहा है, ऐसे 15 मिनट बच रहा है, बाद में 20 मिनट बैठ रहा है, फिर वो छोड़ दे रहा है किताब, कोई प्रॉपर स्टडी, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं रहता इस टाइप का स्टडी। और ये जो है इस समय आप खेल भी खेल सकते हैं अगर हो सका तो। दूसरा यह है कि अगर मॉर्निंग सेशन में एक 15-20 मिनट के लिए कार्डियंक कोहरेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर पॉसिबल है, अगर आप योगा करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करते तो 15-20 मिनट के लिए ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म रिलेटेड जो एक्सरसाइज है योगा टाइप का वो कर सकते हैं, जो वो रामदेव बाबा वगैरह दिखाते हैं उस टाइप का, क्योंकि वो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। काहे के लिए, आपका जो ब्रेन है उसका जो वर्क आउट करना है ब्रेन को, तो उसकी इफिशियंसी बढ़ा देता है वो एक्सरसाइज, कार्डियंक कोहरेंस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट टू डी लॉट बेनिफिशियल फॉर यूर दैट इंक्रीज इन मेमोराइजेशन एंड टू दैट ट्रिगर द ब्रेन मोर एक्टिव फॉर यूर पर्पज। व्हाई? बिकॉज दैट कैन कॉज द वेरी फास्ट एंड बेटर सर्कुलेशन इन यूर बॉडी, बिकॉज द एक्टिविटी इज रिलेटेड टू यूर हर्ट एज वेल एज द लंग्स एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड मोर सर्कुलेशन। तो वो अगर हो सका तो कर सकते हैं मॉर्निंग में, बाद में एक्सरसाइज किया अगेन, दैट इज एडिशन फॉर दिस यूर मॉर्निंग सेशन, आप एक्सरसाइज किया तो अच्छा रहता है, क्योंकि क्या कि कंटिन्यू स्टडी करना वो रट्टा जैसे कंटिन्यू करना, वही बात बात में करना, कोई गैप नहीं देना। और इस समय रिलैक्सेशन टाइम में अच्छा म्यूजिक है छोटा बहुत, तो जो अच्छा म्यूजिक है वो सुन सकते हैं, इंटरटेनमेंट भी आप थोड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको देखिए, और एक टाइम मिलता है, एक डेढ़ घंटे का मिलता है, जैसे कि उसको क्या बोलेंगे हम, अर्ली इवनिंग सेशन, फोर्थ स्टेप, अर्ली इवनिंग सेशन। अर्ली इवनिंग सेशन बोले तो अब ये यहाँ पे 6 to 6:30 to 8:00, इस समय कोई भी आप वीडियो अगर देखना है, कोई ऑनलाइन लेक्चर देखना है, क्योंकि पूरे टाइम में आपका ऑनलाइन लेक्चर जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडियो देखना ये तो बहुत बेहतर है कि आपके घर में अगर आपके किसी के दोस्त के साथ, किस लोगों के साथ प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है बड़ा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो नहीं है तो लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप। अगर नहीं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे तो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक्सर्ट बना देगा, और एक्सर्ट बनते बनते स्टडी करना वो एग्ज़ाम में बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगा, इससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा ये मुझे आता है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है अर्ली इवनिंग सेशन, ये
करना है आपको, एक डेढ़ घंटे के लिए आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका वर्क आउट हुआ उस हिसाब से कर सकते हैं कौन सा भी। इसके बाद डिनर लेना है, डिनर वो फैमिली के साथ लेना है, फैमिली के साथ। अगर फैमिली नहीं तो यू हैव टू डू दैट इंडिपेंडेंटली आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो ये डिनर करना है, डिनर अच्छा करना है। डिनर होने के बाद, डिनर होने के बाद जो है वो फिफ्थ स्टेट आएगा, लास्ट नाइट सेशन रहेगा। तो नाइट सेशन में जो है, और ये फाइव स्टेप में मैं बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो आपको मालूम है रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, दैट ऑकर्स और टेक्स प्लेस इनसाइड द लाइव सेल। एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, यूकेरियोटिक सेल में होता है। तो वहाँ ETS में पांच कॉम्प्लेक्स है, पांच कॉम्प्लेक्स, और वो क्या काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स फोर एंड कॉम्प्लेक्स फाइव, वो एनर्जी हार्वेस्टर है, एनर्जी हार्वेस्टर है, और ATP बनाते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ आपको फाइव स्टेप बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फाइव स्टेप जो है इन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपको इस तरह से अगर आप प्लान बनाएंगे दैट इस तरह से प्लान बनाएंगे तो आप एनर्जाइज्ड रहेंगे। वेन एवर यू रिमेन्स एनर्जाइज्ड देन एंड देन द इफिशियंसी ऑफ ब्रेन कैन गेट इंक्रीज्ड एंड दैट इज द साइंटिफिकली प्रूव्ड, दैट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो इसी तरह से आपको नाइट का जो सेशन है तो कहाँ तक चलाना है, देखिए नाइट का फ्रॉम 9 to 12 नाइट को, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9 to 12 के बाद, 12 के बाद आपको सोना ही सोना है, एंड दैट इज नियर अबाउट 6 hours स्लीप इज नीडेड और मोस्ट इसेंशियल फॉर दिस टाइप ऑफ द यूअर मेमोराइजेशन एंड इंक्रीज द ब्रेन इफिशियंसी, वर्कआउट इफिशियंसी। तो 6 घंटे की नींद होना है, दोपहर का 1 घंटे का रेस्ट होना है। इसी तरह से इन एन आवरेज 7 hours अगर आप इस तरह से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, एंड दैट कैन प्रोवाइड ए लॉट सक्सेस फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर गोल। वैसे तो कैसे ये मोबाइल का जनरेशन है और ये सब जो है डिजिटल जनरेशन है, सब ऑनलाइन पे, ये पैंडेमिक सिचुएशन है। जो स्टूडेंट अच्छे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि खुद ही उसका जिसका कैलिबर होता है, और जिसका कैलिबर भी होता है और उसके साथ क्या बोलते हैं अब कि उसकी इफिशियंसी होती है, उस हिसाब से अपना अपना प्लान बनाते हैं। लेकिन इन एन एवरेज स्टूडेंट जो है वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, किसी को पूछते रहते हैं। इसलिए दिस टाइप ऑफ टिप्स वेन एवर यू फॉलो देन दैट प्रूव ए लॉट बेनिफिशियल फॉर यूअर अचीवमेंट्स बाय ऑल द मीन्स। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू लिसन मी पीसफुली। बेस्ट ऑफ लक।